तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम मटर की रेसिपी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो बिना देरी के इसे बनाना हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राघव कुक्स। तो आज हमें एकदम नई रेसिपी के साथ मशरूम मटर। और फ्रेंड्स कई लोगों को मशरूम पसंद नहीं आते हैं तो वो ये जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिए हैं 200 ग्राम मशरूम। अब हम इन्हें काट लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ मैंने इसे ऐसे काट लिया है, आप इसे किसी भी शेप में जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वैसे काट सकते हैं। फ्रेंड्स इन मशरूम्स को मैंने काट लिया है और फ्रेंड्स काटने से पहले इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इसमें एक पैन में पानी लेकर इसे उसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इन मशरूम्स को बॉईल करने रख दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स मशरूम्स में एक बॉईल आ चुका है और यहाँ मैंने लिए हैं एक बाउल फ्रोजन मटर। आप चाहें तो यहाँ फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन्हें साथ ही में बॉईल कर लूँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं इसे यहाँ मशरूम्स के साथ डाल दे रहा हूँ इस पैन में। तो फ्रेंड्स मैंने इसे डाल दिया है। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है और फ्रेंड्स बॉईल करते वक्त फ्लेम को लो रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब ये गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे ये 1 तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और ये 1 टीस्पून जीरा। चटकने देंगे इसे। 2 मिर्चियाँ जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया था और 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कटे हुए। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ जो हमारी प्याज है ना इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ हमें डाल लेना है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो डाल देंगे इसमें ये 3 बड़े टमाटर रफली चॉप्ड, आप चाहें तो 3 से 4 भी यूज कर सकते हैं। डाल देंगे अब इसमें ये नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची और अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। मिला लेंगे इसे। फ्रेंड्स मिक्स हो चुका है ये, अब इसे ढक करके पका लेंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो फ्रेंड्स बीच में हम इसे खोल ले रहे हैं, थोड़ा चला देंगे इसे ताकि जो मसाला हमारा है वो चिपके नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा बटर का टुकड़ा जो कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये बटर का टुकड़ा डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर। तो अब हम इसे वापस से ढक दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी लेड हटा दे रहे हैं, देख लेते हैं टमाटर गला है कि नहीं। फ्रेंड्स टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को फ्लेम बंद कर देनी है और मसाले को ठंडे होने के बाद इसे पीस लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम ये मसाला पीसने जा रहे हैं और फ्रेंड्स अब यह मसाला पीस चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इस मसाले को इस पैन में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें डाल लेना है ये 1 स्पून बटर। फ्रेंड्स यहाँ मैं बटर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे स्किप करके रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ इसमें थोड़ी सी धनिया डाली है। तो अब हम इस मसाले को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है। फ्रेंड्स अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालने हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते रहना है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स क्या तो कलर आया है हमारी ग्रेवी का। डाल दे रहे हैं इसमें ये मशरूम और मटर बॉईल किए हुए। फ्रेंड्स मशरूम और मटर पहले से ही हमारे अच्छे से गले हुए हैं तो हमें इसे अलग से गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बस इसे एक बॉईल आने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर कुक कर ले रहा हूँ ताकि मशरूम और मटर अपने अंदर ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है अब हम इसे खोल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मशरूम मटर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और क्या तो खिला खिला कलर आया है सब्ज़ी का। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मशरूम मटर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये दिखने में। फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी होती है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका मज़ा ले पाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और हौसला मिलेगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।